35 लाख का दूध 8 लाख का मुनाफा भी हो जाएगा। हाँ। अच्छा तो अच्छा टर्नओवर है, उससे पशु बेचते भी है। हाँ। तो भी अच्छा प्रॉफिट है, 1,20,000-30,000 का बचत होती है, बचत हो जाती है। अच्छा भाई देखो भाई, ये पशुपालन बिजनेस और सबसे ज्यादा सर हमारे यहाँ प्लस पॉइंट यही है बनास डेयरी। सभी हमारे जो बनासकांठा वासियों के लिए बनास डेयरी सबसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ। सपोर्ट है कि चलो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। साथ है। जैसे कि पशुओं को फीड भी मिल जाता है, पशु बीमार है तो डॉक्टर भी मिल जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर मैनेज होता है। भाइयों नमस्कार, मैं जोशी दिलीप सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों आज हमारे उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला और कांकरे तहसील, और कांकरे तहसील का ये खीमाड़ा गाँव है। ये पूरी की पूरी यहाँ पर मेहसाणी पशु है और दूध में भी अच्छी है। दैनिक एक भैंस 5 लीटर से लेकर 9 लीटर एक टाइम का दूध भी देती है और पूरे दिन का 180 से लेकर 200 लीटर दूध भी होता है। मेरा नाम देसाई चेहरा भाई मफा भाई, गांव का नाम है खिमाड़ा, तहसील कांकरेज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा। तो सर पशुपालन आप कितने समय से करते हैं? पशुपालन में जब से बड़ा हुआ तब से मेरे घर पर ही था। अच्छा, मेरे पापा ऑफ हो जाने के बाद मेरे पास आए पशु। अच्छा, तो शुरुआत में आपके पास पशु कम हो गए? हाँ, पशु कम थे। अच्छा, और अभी तो आपने बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर पशु बढ़ा भी लिए हैं। हाँ। तो टोटल छोटे एवं बड़े कितने पशु हैं आपके पास? 35 पशु है टोटल, 35 पशु छोटे बड़े मिलाकर। हाँ। और दूध देने वाले सभी फिलहाल कितना पशु दूध दे रहे हैं? अभी दे रहे 18 पशु दूध दे रहे हैं। अच्छा, तो फिलहाल दैनिक कितना दूध होता है? दैनिक 80 से 90 लीटर 80 से 90 लीटर 90 लीटर एक टाइम का या एक टाइम का। अच्छा, तो पूरे दिन का 180 से लेकर 200 लीटर तक 200 लीटर तक। तो फिलहाल ये हो रहा है, यानी कि फिलहाल तो गर्मी का सीजन है। हाँ। गर्मी में वैसे सभी फार्म पर दूध चाहिए वो कम मिलता है। कम मिलता है। तो ज्यादा दूध कौन से महीने में होता है, कौन सी सीजन में होता है, ठंडी में या बारिश में? बारिश के समय ज्यादा होता है। बारिश के समय कितना होता है वो? 200 लीटर के ऊपर हो जाते हैं, 200 से प्लस हो जाते हैं। अच्छा, और हम दूध सरेराश रखते हैं, जब दूध कम हो जाता है तब पशु अंदर डाल देते हैं। अच्छा, पशु और पशु खरीद लेते हैं। अच्छा, और दूध बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, पशु बेच भी देते हैं। यानी कि दैनिक दिन का 200 लीटर वो हमारा एवरेज बने रहता है। अच्छा, 12 महीने में आप कितने पशु बेचते हैं और कितने अंदर डालते भी हैं, थोड़ा बताएं हमें। जैसे पशु ज्यादा दोने देते हैं तो हम निकाल देते हैं। अच्छा, और कम दूध पड़ जाता है तो अंदर रख देते हैं। अच्छा, तो दिन का कितने का होता है दूध अपना? दिन का दूध होता है 9,000 का। 9,000 का। और जैसे कि सभी जो पशु है सभी का दूध आप साथ में देते हो गांव की मंडली में? हाँ, वहाँ गांव की मंडली। और क्या फेट मिलते होंगे आपको? वो फेट मिलते हैं 6.5-7 फेट 6.5 से 7 फेट भैंस के, भैंसों में एवरेज कभी हाँ। भी आप देखे तो 6.5 से 7 फेट 365 दिन कभी भी एवरेज रहता है। अच्छा, वो लीटर पे क्या मूल्य मिलता है आपको? 55 लीटर 56 और जो प्रॉफिट होता है वो अलग से। हाँ। यानी कि प्रॉफिट के साथ 17 रुपए का 1 लीटर पे दूध बना दिन में देते हैं आप? देते। अच्छा, जैसे कि दैनिक आपका 9,000 का दूध होता है। अच्छा, तो सर जैसे कि 9,000 का दूध होता है तो कितना उसके अंदर खर्चा, जैसे काम करने वाले बंदे दाने चारे देते हैं तो कितना खर्चा कर लेते हो आप? 6-7 हजार रुपया खर्चा निकल जाता है। 6 से 7 हजार यानी कि 3,000 बच लेते हैं। बच जाता है, यानी कि महीने का 1,00,000 रुपया बच जाता है। तो भी अच्छा है सर, जैसे कि आपको तो कोई ज्यादा तो मेहनत लगती नहीं होगी? नहीं, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी काम करने वाले बंदे रखे हुए। हाँ। तो आपका मुख्य काम क्या रहता है उसके अंदर, क्या मैनेज करते हैं, क्या काम आपका? हम दूध निकालने में, सिर्फ दूध निकालते हैं। अच्छा, तो ये दूध निकालने वाला एक ही है बंदा है? एक ही बंदा है। हाँ। अच्छा, और 18 होते हैं तो 9 का वो निकालता है, 9 का मैं निकालता है। अच्छा, तो पूरा आप हाथों से निकालते हैं? हाँ। नहीं, मशीन नहीं यूज करते, मशीन है लेकिन यूज नहीं करते। अच्छा सर, आपके पास सभी मेहसाणी पशु है? हाँ। और जैसे कि आप इधर आ जाओ, जैसे कि भाई यहाँ पर देखो पशु है, अच्छे है, ग्रोथ में अच्छे है और सभी अच्छे वजन वाले हैं, हाइट वाले और वजन वाले देखो। और जैसे कि हम यहाँ पर हमारे ये कांकरे तहसील है और कांकरे तहसील का यहाँ पर एक उत्तर भी गाँव है, वहां से आ रहे थे तो ये बीच में ये फार्म पड़ता है। तो जो भी है यहाँ पर, जैसे कि फिलहाल यहाँ पर गोबर भी पड़ा हुआ है और जो भी है, जैसे कि हम
काफी ऐसे जो वीडियो बनाते हैं तो भाई बोलते हैं कि अब थोड़ा बता दो कि थोड़ा हम ये पशुओं को सही तरह से नहला धुला कर लाले लिस्टिप कर ले, लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर है वही हम दिखा रहे हैं भाई। तो देखो भाई, ये सभी पशु अच्छे हैं, ग्रोथ में अच्छे, हाइट में अच्छे है और दूध में अच्छे है। तो सर जैसे कि एक पशु में कम से कम अपना कितना दूध है? कम से कम वो पशु है उसका दिन का एक टाइम का दूध 9 लीटर है। इसका 9 लीटर है? हाँ 9 लीटर है। अच्छा सर, जैसे कि अपन देखे तो आप बोल रहे हैं कि ये मैसाणे बकरा है, ठीक है, लेकिन उसका जो शरीर और उसका मुंह का जो भाग है वो अपन देखने जाए तो ये बन्नी बन्नी, बन्नी के कैरेक्टर है, ठीक है। ये आपके घर की या कहीं बाहर से लाई थी? नहीं, मैंने वो वाव से ली थी। वाव से ली थी ना? हाँ। तो वाव पर, तो वाव में तो वैसे बन्नी का पूरा, क्योंकि उसका सिंह गोलाकार में जा रहा है, उसका जो पूरा मुंह का शेप है वो जंगल का बन्नी का है। तो हाइट भी अच्छी है, दैनिक 9 लीटर दूध, 9 लीटर दूध देता है। उनकी हाइट है देखो, मेरे हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, 700-800 kg उसका वेट होगा, दूध भी अच्छा है। तो उसके अंदर आप वो आपका जो घर का बुल है वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं ना? वो उसका। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भैया, पशुपालन क्षेत्र में जैसे कि सभी पशुपालक भाइयों के पास ऐसे 9-9, 8-9, 9-10 लीटर वाले सभी पशु हो गए तो वो हमका प्रॉफिट है भाई, सबसे अलग रहता है। तो जैसे कि सर सो ये जो दाने चारे का जो पूरा सिस्टम होता है, यानी कि आप ये पशुओं को चारे में क्या क्या देते हैं? हरे चारे में, सूखे चारे में? और हरे चारे में जैसी सीजन चलती है वही चारा मिलता है। फिलहाल अपने गर्मी के सीजन में क्या लगा हुआ है? अभी वो बाजरी है, रज का बाजरी। इस बार जो सुपर नेपियर ऐसा कोई आपने लगाया? नहीं, वो रज का जुआर डालते हैं। अच्छा, और सूखे में आप ये अपना बाजरा और जुआर उसे क्या आप इस्तेमाल करते हैं? बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि पूरे दिन का अपना क्या सिस्टम होती है, कितने दार ये चारा खिलाते हैं आप पूरे दिन में? कितनी बार देते हैं आप पशुओं को? नहीं, हम देते सुबह सूखा चारा देते हैं, सुबह में सूखा और दोपहर में लीला। दोपहर यानी कि कितने बजे? वो 11 बजे। 11 बजे आप हरा चारा डालते हैं? अच्छा, और शाम को? शाम को सूखा। शाम को कितने बजे डालते हैं? वो 8 बजे। 8 बजे यानी कि दूध निकालने के बाद? दूध निकालने बस ये हो गया पूरे दिन का? हाँ, पूरे दिन का तीन ही बार चारा देते, तीन टाइम ही देते। अच्छा, और फीड में तो हमने दिखाया थोड़ा वीडियो के माध्यम, तो हम थोड़ा दिखा देते भाइयों, इधर आ जाओ, अक्सर इधर आ जाओ। जैसे कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है पशुपालन क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो फीड, पशुओं को दाना मिश्रण क्या दिया जाता है, पशुओं को संतुलित आहार क्या दिया जाता है, वो भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे एशिया खंड की जो सबसे बड़ी जो बनाती रही उसी का यहाँ पर ये बनासदान, ये बनासदान और यहाँ पर इसबगुल है, ये इसबगुल। हाँ अच्छा, इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वही करते हैं। और ये है मकाई का दलिया। अच्छा, और ये है कपास का दलिया, ये कपास। हाँ, कपास खड़। हाँ, ये चारों आप साथ में देते हैं? हाँ, और साथ में देते हैं जुआर, ये जुआर भी देते हैं। हाँ, ये जुआर ये कैसे देते हैं? साबुत देते हैं क्या? हाँ, ये ऐसे ही डायरेक्ट डाल दे? नहीं, तो गर्मी में बाफ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये उबाल कर देते हैं भाई। हाँ, ये आपके पास इलेक्ट्रिक स्टोव भी है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो आपका तो ये फीड में जो मैनेजमेंट बढ़िया है, जैसे कि देखो भाइयों, एक ये है अनाज में देखे सर। हाँ, एक ये है, ये अनाज, ठीक है, और एक ये है। हाँ, तो उसमें कोई आप एक ही दे दो तो ये रखो, तो ये मत दो चलेगा, वो दोनों अनाज ही है। हाँ, अनाज ही है, लेकिन क्या है हमारे पशु ये सब अनाज खा के ही रहते हैं, चारा वो कम खाते हैं। चारा कम खाते हैं? चारा कम जो होता है। वैसे अपन देखें सर, थोड़ा जो रियल जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि मक्का हमारा साबुत, हम मक्का साबुत लाते हैं, जैसे कि आप ये ज्वार साबुत लाते हैं, आखा लाते हैं, वैसे मक्का साबुत लाए और किसी चक्की से हम उसका दलिया बना ले और खिलाए तो हमें 100% मिलता है भाई हमारा साबुत लाए थे, हमने पिसवाया, जो नेचुरल है। लेकिन जो रेडीमेड जो तैयार आते हैं उसके अंदर तो क्या केमिकल डाला जाता है,
उसके अंदर कौन सा वजन किया गया है, हाँ। उसके अंदर यूरिया की मात्रा डाली हुई है नहीं डाली है, कितनी मात्रा में डाली हुई है, वो थोड़ी जानकारी नहीं देते, तो आप ये कर रहे हैं वो अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। वैसे मान्यता है कि ये प्रोटीन का स्रोत सबसे ज्यादा ये मक्का में है, लेकिन ये भी कम नहीं है, तो आप ये खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो भी खिलाते है और वो भी खिलाते, वो क्या है ज्यादा नहीं खिलाते, कम खिलाते, कम खिलाते। अच्छा, ये सबको दो दो किलो ही डालते हैं, दो दो किलो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये फिलहाल आपके जो पशु है उसके लिए ये पांच तबर के ये और एक दो तीन चार पांच और छह, ये सीनों का ये छह जो बर्तन है वो सभी पशुओं का खुराक है। हाँ। अच्छा, आ जाओ, बहुत बढ़िया। साथ में मिलाते हैं गेहूं का भूसा, ये गेहूं का भूसा थोड़ा बहुत डाल देते हैं। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो भाई, ये सबसे प्लस पॉइंट यही है कि फार्म की लंबाई एवं चौड़ाई, और फार्म बहुत ही बड़ा हवादार है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है क्योंकि एक ही ढाल में है, और जैसे कि बारिश, ठंडी और गर्मी सभी में सुविधा अच्छी मिलती है। हाँ, क्योंकि जैसे कि हम कम लंबाई और कम चौड़ाई वाला बढ़ाएंगे तो चारों ओर से हवा का भी प्रकोप रहता है, गर्मी का भी रहता है, बारिश का भी रहता है, ठंडी का भी रहता है। जैसे कि फिलहाल ये लंबाई चौड़ाई अधिक है तो और बाहर की ओर है, तो जो सभी का जो तकलीफ होनी चाहिए वो कम मात्रा में होती है, और बीचों बीच सरने यहाँ पर खुली जगह छोड़े हुए हैं जो मिट्टी वाली, या तो पूरा स्ट्रक्चर सीमेंट का बनाया हुआ है ये नागबाज सब, लेकिन यहाँ पर एकदम नेचुरल तरीके से जो मिट्टी है वो डाले हुए। सर का कहना यही है कि जैसे कि कोई भी पशु बियाता है या बियाने वाला है या कोई तकलीफ में है तो यहाँ पर मिट्टी में बैठा दे तो उसे कोई तकलीफ रहते भी नहीं है, वो आराम की तरह आराम से रहता है, बैठता है, उठता है, कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे कि थनेला बोलते हैं, मास्टिटाइटिस, गठिया बोलते हैं, ऐसी जो समस्या होती है न के बराबर होती है। और यहाँ पर देखो भाई, ये पूरा स्टोर रूम है, ये सब स्टोर रूम है। देखो ये पानी का पूरा ये बोरवेल है, और यहाँ पर देखो ये नाद अच्छी तरह से बनाई हुई है, और जस्ट बगल में पानी की भी व्यवस्था है। काफी भाई पानी कम मात्रा में पिलाते हैं पशुओं को। हाँ, तो सभी भाई से यही समस्या होती है कि पानी पशु को 10-11 बजे पिलाओ और शाम को 3:30-4 बजे पिलाओ। नहीं, यहाँ पे पानी भरा ही रखते हैं। जब पानी भरा ही रखते हैं। हाँ। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि सर, जैसे कि पशुओं को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 लीटर पानी की जरूरत रहती है, रहती है, और पूरे दिन में जो दुधारू पशु उसे 100 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। और जैसे कि हम जैसे कि साव से गर्मी से साव में ले जाते हैं, वो टंकी पास ले जाते हैं पशु, वो ट्रेंड नहीं होते वो पीने के लिए, कम पी लेते हैं तो दूध कम ही देंगे, तो आप पास में रखेंगे तो पूरे दिन ये 15 बार पिए, 20 बार या 30 बार जितना पानी पिएगा उसके लिए फायदा ही है, क्योंकि पानी ही पशुओं का ग्रोथ करता है, पानी ही पशुओं की चमक बनाता है, पशुओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, पशुओं का ग्रोथ बनाता है, विकास करता है, गाभिन होने में कोई समस्या नहीं रहती, हर तरह की जो समस्या होती है वो पानी के कारण ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये बनासकांठा, और बनासकांठा में आलू की जो खेती होती है सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो यहाँ पर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो अधिक मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, ये पूरा खींचो खींच भरा हुआ फार्म, सभी यहाँ पर उत्तम, यहाँ पर हमारी जो उत्तर गुजरात की नेटिव ब्रीड है महसाणी, ये सभी बधे हुए है। वहाँ पर हमने एक बड़ी भैंस दिखाई, वो थी बन्नी क्रॉस, यानी कि उसके अंदर बन्नी के कैरेक्टर थे। सर, आपके पास एक बुल है, हाँ, नंदी महाराज, हाँ, पाडा, हाँ, पाडा कहाँ से लाया था आपने? पाडा हमने बन्नी की भैंस का लाया था, हमारे गांव में से। आपके गांव से लाया था? हाँ। अच्छा, क्या रिकॉर्ड है, माने कितना दूध दिया था, आइडिया कोई आपको, माँ कितना दूध? नहीं, उनकी माँ का 10 लीटर दूध था। टाइम का? हाँ, एक टाइम का। अच्छा, एक टाइम का 10 लीटर 10 लीटर दूध था। अच्छा, देखो भाई, टेस्टिकल एकदम बहुत ही अच्छे है, सुविकसित है, अनमोल है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। देखो भाई, कैरेक्टर वैरेक्टर बहुत बढ़िया है भाई, देखो बहुत बढ़िया। 2 साल और 4 महीने हुए हो? 2 साल और 4 महीने। 4 महीने? हाँ। माउन करता है, गाभिन करता है? हाँ, गाभिन करता है, अभी 3 साल नहीं हुई। अच्छा अच्छा, आपकी जो अनाज बना देने के जो पूरा सिस्टम है, सेवा अच्छी है, तो कोई भी पशु तो काम करने लगता है। अच्छा भाई, प्लस पॉइंट उसका रिकॉर्ड अच्छा है, और रूप भी अच्छा है, वो हमारे पास प्रॉपर हमें बनी के जो कैरेक्टर चाहिए, उसका मुंह में थोड़ा कम पाड़ी है, अच्छा है, रूप भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक पाड़ी है, वो 14 साल की है। अच्छा, चौदह मासिक
ये कहाँ की है? पाड़ा बन्नी का है और भैंस महसाणी है। भैंस महसाणी है हाँ। और उसके अंदर आपने ये बन्नी पाड़े का इस्तेमाल हाँ, बन्नी का है। ये पाड़े बहुत बढ़िया है हाँ। बहुत बढ़िया है, क्या बात है। माने की 14 महीना हुआ है, 14 महीने नहीं रुकती, ये बनेगी हाँ। तकड़ी बनने वाली है हाँ, बहुत रूपवान है अभी से, उसका सिंग बिंग रूप बहुत बढ़िया दिख रहा है, देखो भाई 14 महीना की है। अच्छा, बहुत उसकी माँ है ये, इसके उसको माने कितना दूध दिया था? उसकी माँ का दूध था 6 लीटर। 6 लीटर हाँ। और वो पाड़े का रिकॉर्ड क्या था? पाड़े का रिपोर्ट हमको नहीं पता था, लेकिन वो ने मैंने खरीद के लाई थी। अच्छा अच्छा, तो ये साथ में आई थी? हाँ, वो साथ में आई। अच्छा, तो कहाँ से आई थी ये? वो आई थी गालवा गांव में। गालवा? गालवा कहाँ पड़ता है ये? वो दियोदर तालुका का। दियोदर तालुका। अच्छा, तो उसके अंदर तो किसी पशुपालक भाई ने उसका अच्छे बुल का इस्तेमाल किया होगा, तभी तो ये अच्छी दिख रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है पशुपालन में? तकलीफ क्या लगती है आपको, क्या चैलेंज रहता है? तो कुछ नहीं होती है। अच्छा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। टाइम ज्यादा देना पड़ता हाँ। अच्छा, क्योंकि वो हाजिरी रखनी पड़ती है। हाजिरी रखनी पड़ती हाँ। है। जैसे कि सर, आपके बड़ा देरी में या कोई सरकारी संस्था में नौकरी लग गई तो सुबह में आपको 7 बजे जाना होगा हाँ। शाम को 7 बजे आएंगे हाँ। तो ये इसमें कैसा कितना समय देना पड़ता है? 7 से 7 देना पड़ता है? कुछ समय नहीं देने पड़ता है, लेकिन क्या है, सुबह उठना पड़ता है। सुबह में जल्दी उठना हाँ, पड़ता है। 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे उठना पड़ता है हाँ। और कहीं गांव जाना है तो तकलीफ पड़ता है, क्या दूध निकालने की। अच्छा। टाइम से पहुंचना पड़ता है। टाइम हाँ। से यहाँ पर आना पड़ता हाँ, है। छुट्टी नहीं मिलती। 35 लाख का दूध, 8-1 लाख का मुनाफा भी हो जाएगा हाँ। अच्छा, तो अच्छा टर्नओवर है, उससे पशु बेचते भी है हाँ। तो भी अच्छा प्रॉफिट है। तो अपन माने तो 1 महीने में 1 लाख रुपया सब कुछ, ये वैसा तो सब निकाल के, वैसे तो आपका ये मुनाफे के साथ अंदाजी 1.5 लाख ऊपर होता होगा हाँ, महीने के क्या होता है, उसमें भी खर्चा भी आता है नहीं? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी हमारा 9,000 का दूध होता है हाँ। ठीक है, तो उसके अंदर आप 3,000 आप बचा लेते हैं हाँ। तो 3,000 लेके आप 90 लाख माफ कीजिए 90,000 का हुआ हाँ, 90,000 और एक मुनाफे भी मिलता है हाँ। 7-1 लाख वो तो प्रॉफिट है ही हाँ। उसी तरह आप देखे 1,20,000-30,000 का बचत होती है, बचत हो जाती है। अच्छा भाई, देखो भाई, ये पशुपालन बिजनेस और सबसे ज्यादा सर हमारे यहाँ प्लस पॉइंट यही है बनास डेयरी हाँ। सभी हमारे जो बनासकांठा वासियों के लिए बनास डेयरी हाँ। सबसे बड़ा सपोर्ट है हाँ। एक सपोर्ट है कि चलो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, साथ है। जैसे कि पशुओं को फीड भी मिल जाता हाँ। है, पशु बीमार है तो डॉक्टर भी मिल जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैनेज होता है। काफी ऐसे जो हमारे जो पशुपालन क्षेत्र में जो पूरा भारत के जो सभी अलग अलग जो राज्य के जो पशुपालक भाइयों का कॉल आता है, भाई कि आप तो एक लकी इंसान है क्योंकि हाँ। आपके पास बनास डेयरी एवं सरकारी तंत्र का बहुत ही बड़ा नहीं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में तो क्या सभी मिल गया है, क्या पानी की समस्या भी नहीं है और डेयरी की भी समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है, खेती की समस्या नहीं है, सब कुछ सब कुछ मिल गया है, बहुत बढ़िया। तो सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़कर, हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, सब पता है। धन्यवाद धन्यवाद।